तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की खातिर किसान संगठनों के नेता सरकार पर दबाव डालने के लिए नए ऐलान कर रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा है कि अब वो खेती हड़ताल पर जाएंगे, साथ ही राजनीतिक दलों का बहिष्कार भी करेंगे। किसानों का कहना है कि जब खेती हड़ताल होगी तब सरकार की नींद टूटेगी। सरकार अभी तो गलतफहमी में है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, थक हार कर वापस लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। किसान आंदोलन का 86वां दिन है आज। किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और रहकर बार बार वही मांग किसानों के जरिए दोहराई जा रही है। जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम पीछे हटने वाले हैं नहीं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की आगे की रणनीति बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी। किसान आंदोलन को करीब 3 महीने का वक्त होने वाला है। इस आंदोलन में बॉर्डर पर कई तरह के उतार चढ़ाव देखे गए, कई बार परिवर्तन की तस्वीर देखी गई। आज गाजीपुर बॉर्डर पर काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 12 जिलों के भारतीय किसान यूनियन के जो जिला अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और उनके साथ भारी संख्या में किसान जो हैं वो यहाँ आए हैं। सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं नेशनल हाईवे 9 के नीचे की हैं और ये जो आप एक टेंट देख रहे हैं ये आज नया मीटिंग सेंटर बनाया गया है और यहाँ पर वही 12 जिलों के जो जिला अध्यक्ष हैं BKU के वो पहुंचे हैं और उनकी एक मीटिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है। एक बार मैं आपको मीटिंग की तस्वीरें यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जिलों के भारतीय किसान यूनियन के जो जिला अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, मंडल अध्यक्ष मौजूद हैं और किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं। रणनीति क्या रहने वाली है आंदोलन की उस पर यहाँ चर्चा हो रही है और जो तमाम जो किसान नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि हम उनसे बात करने की जरूर कोशिश यहाँ पर करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ धर्मेंद्र मलिक जी इस समय मौजूद हैं जिनसे हम यहाँ बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर पूरी जो स्ट्रेटजी है उस पर काम करते हैं और राकेश टिकैत जी के साथ रहते हैं। सर क्या आज मीटिंग में होने वाला है बतौर? ये तो हमारे प्लानिंग का हिस्सा है, कोई अलग से मीटिंग नहीं है। जो पिछले जिले थे वो आज वापस जाएंगे, जो दूसरे जिले बुलाए गए हैं उनको यहाँ आज बुलाया गया है। आज से 8 दिन के लिए वो यहाँ पर रहेंगे। अब कटाई का काम का समय शुरू हो गया तो रूटीन में लोग लगाए जाएंगे, उसीलिए जो लोग आज आने थे उनको बुलाया गया है, उनसे बात कर रहे हैं। आज बड़ी संख्या में किसान यहाँ देख रहे हैं, एक हलचल देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या नहीं, वो 10 जिले बुलाए गए थे और उनके पदाधिकारी बुलाए गए थे, तो आज सब लोग आए हैं। आगे सब किसान अलग रहे, अब जा गन्ने की कटाई का समय चल रहा और जो है, पर फिर भी सारा किसान जो है वे साथ साथ रूटीन बना लिया। अब जन उन्होंने हर गांव से दो दो तीन ट्रोली अब डेली आती है। समझे कि किसान अब गर्मी में भी पूरी तरह से डटने को तैयार? पूरा डटेगा बिल्कुल, हाँ पूरे तैयार है। कूलर इस तमाम चीजों की तैयारी हो रही है? हाँ कूलर मिलो ना मिलो से तो आदत है किसान को मच्छर की, हाँ ये तो फिर भी डटा रहेगा। गाजियाबाद में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। वही किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक घर वापस नहीं जाएंगे। 90 दिन का आंदोलन होने वाला है, क्या कुछ चल रहा है? राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं। सर आज पहला सवाल मेरा ये है कि थोड़ा थकावट सी हालांकि नजर आ रही है, आज क्या होने वाला है? हमने सुना है कि कई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई गांवों के जो जिला अध्यक्ष हैं BKU के वो आ रहे हैं, मंडल अध्यक्ष आ रहे हैं। आ रहे क्या होने वाला है? उनसे सलामत से बड़ा करेंगे। ऐसा कहा है कि 200 किसान साथ लेकर आएंगे? नहीं नहीं ये नहीं, सिर्फ वे बुलवाए हैं, वे देहात में थे कि उनका क्या वो है और यहाँ पर आने वाले टाइम पे किस तरह से उसको चलाना है, कुछ जिम्मेदारियां उनको देंगे अलग अलग जगह की। ये भी सुनने में आया है कि BJP ने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि वो गांव-गांव जाएगी और कृषि कानून जो वो फायदे बताते हैं उन फायदों को बताएंगे, तो ये किसान अपनी रणनीति उस वाली रणनीति के अगेंस्ट में तैयार कर रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा है क्या? नहीं नहीं उनसे हमारा क्या मतलब है, हमारा अपना इशू है, उनका अपना इशू है, वे भी जाओ काम में, कौन मैंने कर रहा जी। कल आपने जो मंच से कहा फसल को लेकर जो बात कही उसका थोड़ा सा मैं मायने थोड़ा अर्थ आपसे समझना चाहता था। कहा कि फसल की कुर्बानी किसान देने को तैयार है, आंदोलन जारी रहेगा। जब फसल कटाई का टाइम आएगा जी तो उसकी प्रायोरिटी आंदोलन रहेगा और उसको यहाँ से भी रिलीफ देंगे कि जब जिस साइड में फसल कटिंग होता रहेगा तो दूसरी साइड के किसान यहाँ पाते रहेंगे जी। और किसानों ने ये कहा, राजस्थान के किसानों ने, कि हमको अपनी फसल छोड़नी भी पड़ी तो हम फसल छोड़ देंगे, आंदोलन को नहीं छोड़ देंगे जी। तो एक फसल की कुर्बानी अगर किसान को देनी पड़ी तो देगा जी। ये कहा
फसल जलाएंगे जैसा शब्द था, तो क्या कुछ भी हो सकता है जी। अगर सरकार ज्यादा वो करेगी तो किसान ये कह रहे कि हम उसको जला भी देंगे जी। तो नुकसान जाहिर है किसान का। तो भाई गुस्सा किसानों में है, बताओ मैं क्या कर सकूं। मैं तो वो बात बताई जो किसानों ने बताई। बंगाल कब जा रहे हैं? बंगाल भी जाएंगे, बंगाल मार्च में जाएंगे। आपने हालांकि जब से बंगाल वाला बयान दिया है तब से कुछ राजनीति उस पर शुरू हो गई है, तमाम बयानबाजी शुरू हुई, आपने सुनी भी होगी कि हमने सुन देने की बात किसी की जी। हाँ, ये तो राजनीति करने वाले लोग हैं, पता नहीं कहाँ का तार कहाँ जोड़ते। शायद ममता बनर्जी से जोड़ रहे हैं ऐसा कहा। अच्छा,